एग्जांपल के लिए ये चलो। ओके सो ऑलराइट, हे गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप बढ़िया हो गए, और अगर आप मेरे को जानते हो तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो स्मैश द सब्सक्राइब बटन, आप मेरे को जान जाओगे। तो आज आपको थंबनेल देख के समझ आ ही गया होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ब्लॉगिंग चैनल अभी शुरू ही किया है, ब्लॉगिंग चैनल अभी शुरू किया और वीडियो अब मैंने शुरू करी है, तो मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता कैसे बनाते हैं, पर क्यों है? मतलब आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मतलब ब्लॉगिंग के लिए तीन चीज़ होनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। फर्स्ट, बंदे को अपनी कहानी बतानी आनी चाहिए और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सेकेंड, कैमरा, उसको कैमरे का एंगल पता होना चाहिए, मतलब कैसे कैसे नए नए एंगल से शूट करते हैं। एग्जांपल के लिए आपको पता होना चाहिए एंगलों का। चलो आगे बताता हूँ। तो गाइस, आप अपने पुराने एंगल पे वापस आ चुके हैं, और ये जगह मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद है क्योंकि थर्ड पॉइंट ये है कि लाइटिंग, और मेरे पूरे घर में मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लाइटिंग यहाँ लगती है, बल्कि यहाँ देख लो और यहाँ देख लो, आपको इस अंदाज लाइटिंग का हो गया होगा कि लाइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक फोर्थ चीज़ आती है एडिटिंग। अगर तुम एडिटिंग अच्छी करते हो तो तुम एक व्लॉग को मतलब एक नया रूप दे सकते हो, जो कि मतलब जो तुमने अच्छा बनाया हो नहीं बनाया, पर वो तुम उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो सिर्फ एडिटिंग एंड वॉइस के कारण। सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलो आज करते हैं स्टार्ट, और क्या करते हैं क्या नहीं आज मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आपको बताया था कि स्टोरी टेलिंग करनी तुमको आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप वीडियो बनाते ही जो भी बंदा ज़्यादातर ऐसे होता है कि हे गाइस माय नेम इज ब्ला ब्ला ब्ला, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, कमेंट, शेयर, लाइक, ऐसा नहीं करना अपने को डूड, ऐसा नहीं करना। सेकेंड थिंग ये है कि आप जैसे ही कैमरा ऑन करते हैं फ़ोन का और वीडियो का करते हैं, तो ऑटोमेटिक जूम हो जाता है, लाइक कुछ ऐसे होता है, और तुम्हें ऐसे वीडियो नहीं बनानी, तुम्हें मतलब इससे थोड़ा सा दूर रहना है। लाइक ये एकदम परफेक्ट है कि तुम्हें मतलब जितना तुम्हें ज़्यादा स्पेस मिलेगा उतनी तुम्हारी वीडियो अच्छी लगेगी, और इसमें तुम्हारा ऐसे मुँह दिखेगा तो तुम क्या वीडियो बनाओगे क्या नहीं बनाओगे तुम मेरे को ये बताओ, ठीक है? तो सेकेंड होती है ये कि हमें वीडियो में कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना है। लाइक एग्जाम्पल के लिए ये चलो। सो फोर्थ थिंग ये है कि हम एक है ब्लॉगर, तो ब्लॉगर का भाई क्या होता है कि मतलब उनके लिए कोई कंटेंट कोई ये सब कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, उनके लिए मतलब अपनी डेली रूटीन होती है वो शुरू होते हैं। जैसे कि मेरे को कोई कंटेंट नहीं पता कि मेरे को क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, कैमरा उठाता हूँ तो अपने आप कंटेंट कंटिन्यू मतलब अपने आप दिमाग में आते रहते हैं कि ये करो वो करो। अपने डेली लाइफ दिखाने का मतलब ब्लॉगर ये होते हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ भी छुपा नहीं होता भाई, सब कुछ ओपन माइंड होता है। अब वो तुम्हें डिपेंड है कि तुम बंदे को पका रहे हो या क्या कर रहे हो, किस प्रकार से तुम अपनी वीडियो उसको दिखा रहे हो। तुम अच्छा देखोगे तभी तो तुम्हें अच्छा लगना चाहिए, तुम्हें अच्छा लगेगा तभी तो बाकी को अच्छा लगेगा। ओके, तो आज आपको कुछ मैं नया दिखाता हूँ। नया है कि सी डू यू लाइक इट, अगर यस तो जल्दी जाओ मेरी पिछली वीडियो जो मैंने मतलब इसको बनाया है सारी वीडियो एक, जल्दी जाओ देखो यार, मतलब मेरे से क्यों तुम इतना बला 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 कर रहे हो, जल्दी जाओ बैक वीडियो देख के आओ, उसमें मैंने ये सारा मतलब जैसे बनाया वो सब मैंने दिखाया हुआ है प्रॉपर, क्या किया कैसे किया ये वो, ठीक है? सो अभी बच चुके हैं दो, और मेरे को जाना है नहाने और कुछ खाना भी है, तो चलते हैं, मैं अभी उठा ही था फिलहाल। सो गाइस, अभी मैं उठा हूँ, और उठते ही सबसे पहला काम है मेरा 1 लीटर पानी पीना, क्योंकि पानी तुमको एक्ने से बचाता है और तुम्हारी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो लेके आता है। तो सुबह उठते ही पहले 1 लीटर पियो पानी, उसके बाद अपने दिन को हेल्दी सी शुरुआत करो जिससे तुम्हारा मूड भी फ्रेश रहे। तो गाइस, फिफ्थ थिंग इज अच्छी वीडियो बनाने के लिए तुम्हें एक ट्राइपॉड लेना ही चाहिए, क्योंकि फ़ोन को बंदा ऐसे पकड़ के जाते मतलब इतना रिलैक्स होकर वीडियो नहीं बना सकता जितना कि वो एक व्लॉगिंग कैम मतलब
ट्राइपॉड से बना सकता है। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अब जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो ये है। तो गाइस अभी मैं ये ट्राइपॉड यूज़ कर रहा हूँ व्लॉगिंग के लिए, जिससे कि मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है व्लॉगिंग बनाने में, और ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, इतना कॉस्टली भी नहीं है, तुम आराम से परचेज कर सकते हो अगर तुम एक नया अपना सेटअप शुरू कर रहे हो तो। इसलिए बाकी बातें आगे चलते हैं। ओके, तो व्लॉगिंग बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जैसे कि तुम्हारी शाइनेस खत्म हो जाती है, जैसे पब्लिक में तुम कम बोलते हो या नहीं बोलते, जैसे कि यार पीछे ये आवाज़ आएगी तो हमको कैसे बताऊँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो दोबारा आता हूँ। मैं कह रहा था कि व्लॉगिंग से तुमको एक शाइनेस खत्म हो जाएगी तुम्हारी, जो भी तुम्हारी लोगों के आगे होती है कि शर्माते वो, तो दूसरा तुम पे एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स एंड एक कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम भरी भीड़ के अंदर भी जाके एक बढ़िया सा व्लॉग बना सकते हो। 4-10 लोगों के सामने तुम अगर कैमरे में देख के बोलोगे तुम्हें कोई शर्म नहीं आने वाली, और अब तुम जाओ एक फ़ोटो क्लिक करके देखो तुम्हें कितनी शर्म आती है। सो सबको यही एडवाइस दूंगा कि व्लॉगिंग चैनल अपना ओन कर लो, जिससे तुम्हें हेल्प मिलेगी, तुम्हारी हेल्थ इंप्रूवमेंट होगी। तुमने सुना है अच्छा दिखोगे तभी बिकोगे, जब तक तुम अच्छा दिख ये तो गाइस तुमको सबको पता है अच्छा दिखोगे नहीं तब तक बिकोगे नहीं, ये बात कहती है दानिश जान ने, ये सबको पता है पर मैं एक वैसे नॉलेज के लिए तुमको बता रहा हूँ। सो गाइस अच्छा दिखोगे तभी बिकोगे, ये बात गांठ ही बांध लो। और सेकंड थिंग ये है कि अगर तुम मतलब पहले अपने आईज में कैप्चर करो तुम क्या देखना चाहते हो, अगर तुम खुद से मतलब तुम्हें लगता है कि हाँ भाई ये सबको दिखाने लायक है, ये कुछ अच्छा है, कुछ कंटेंट है, तब भी दिखाओ। जब तुम्हें खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा तो तुम क्या ही लोगों को दिखाओगे, तो पहले यहाँ से देखो फिर वहाँ से दिखाओ। सो ये थी, चलो अब तुमने मेरी अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाओ देख के आओ, बस मुफ्त का ज्ञान ले जाओ जाओ पहले देख के आओ पहले वीडियो, फिर आगे बात करेंगे। सो गाइस अगली बात ये है कि वीडियो को एक अच्छी सी क्वालिटी में ही बनाओ, मतलब तुम देखो क्वालिटी से बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है, और मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ आईफोन 11 में बना रहा हूँ, तो इसकी क्वालिटी फ़िलहाल ठीक है पर इतना मेरे को अच्छा नहीं लगा, और जल्दी आप एक लेंगे नया कैमरा व्लॉगिंग के लिए। सो मैं पका रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो आप एंगल की बात करिए तो एंगल आपको दिखाता हूँ नए नए कैसे हो सकते हैं। तो चलो वेट, उससे पहले कैप पहन लेते हैं। चलो या नाउ रेडी, सो गो। सो गाइस जहाँ से गए थे वहीं आ गए, बिकॉज मेरी आईफोन की बैक स्टोरेज हो चुकी है फुल, और अब कुछ भी डिलीट करने का मन नहीं है, पहले उसको करूँगा मैं अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र, उसके बाद जाके मिलता है अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर अपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाओ करो, और मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। सो मिलता है अगली वीडियो पे, सो बाय।